नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात पटना में ही थे। कल शाम उनका रोड शो था और रोड शो समाप्ति होने के बाद वो राजभवन में रुके और आज सुबह सुबह हरमंदिर साहब पहुंचे। हरमंदिर साहब आपको बता दें, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। देश के बड़े गुरुद्वारों में जो है गिनती होती है और दुनिया भर से आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और आज प्रधानमंत्री भी पहुँचे दरबार साहब के पास और उन्होंने मत्था टेका। जो दरबार साहब है उसके जितने भी हिस्से हैं जहाँ पूजा पाठ होता है, उन सभी जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, गुरु से आशीर्वाद लिया और इसके बाद लंगर में पहुँचे। आपको बता दें, लंगर में उन्होंने रोटियाँ बनाई, सब्जी बनाया और जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे लंगर में उनको खाना भी परोसा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आज 3 सभा भी किए बिहार में। एक सभा उनका हाजीपुर में हो चुका, दो होने वाला है। तो बता दें आपको, हम प्रधानमंत्री जो हैं हरमंदिर साहब पहुंचे हैं, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर पहुंचे हैं और उन्होंने दरबार साहिब में मत्था टेका। पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने सिखों का एक तरह से कहें तो वेशभूषा धारण किया था, माथे पर पगड़ी थी और जैसे ही दरबार साहब में पहुंचे उन्होंने गुरु के सामने मत्था टेका और उसके बाद लंगर, जो कि एक काफ़ी पवित्र जगह होती है जहां पर दिनों रात 24 घंटे जो भी आता है उनके सामने खाना परोसा जाता है बिना किसी जाति धर्म या किसी भी भेदभाव के। और वहाँ पर सेवा करना, वहाँ पर जो लंगर में जो श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन कराना भी काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। और बड़े बड़े लोग, खासकर सिख पंथ से जुड़े हुए लोग जो कि एक से एक बड़े ओहदे पर हैं, वो भी लंगर में आकर अपनी सेवाएं देते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर अपनी सेवा दी, रोटियाँ बनाया उन्होंने, सब्जी बनाया और जो श्रद्धालु बैठे हुए थे उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा है। तो बता दें आपको हम कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पटना साहिब पहुंचे और पटना साहिब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव वहां पर 1 जून को होने वाला है और वहां से रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मोदी जी के काफ़ी करीबी रहे हैं और कल रोड शो में मोदी जी के साथ वो खड़े रहे, उनका लोकसभा सीट है जहाँ से वो दूसरी बार प्रत्याशी बने हुए हैं। तो गुरुद्वार साहिब जो जाना जो है वो काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है, काफ़ी वहाँ पर एक तो है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो काफ़ी पुण्य भूमि है जहाँ जाना चाहिए और वहाँ प्रधानमंत्री गए। और अगर चुनाव के दृष्टि से देखा जाए तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पटना साहिब के क्षेत्र का ये इलाका है, वहीं चुनाव होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी पहुँचे हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।